देखिए, उत्तर प्रदेश जो है एक्चुअली भारत के जितने भी राज्य है ना, तो उसमें सबसे विशालतम राज्यों में से एक है। ये विशालतम राज्यों में से एक है, याद रखना। और उसके बाद इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति जो होती है, इसकी जो बनावट होती है उत्तर प्रदेश की, किस प्रकार की है? क्योंकि एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है। आपको चार ऑप्शन देगा, तो वहां पे आपको याद रखना है लंबवत या फिर अंगूठाकार। तो आपको ये ब्रैकेट में अंगूठाकार नहीं देगा, आपको एग्जाम में देगा लंबवत। अंगूठाकार बहुत ही रेयर चांस है आपको दे, लेकिन आपको लंबवत और अंगूठाकार दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, भारत के ये उत्तर मध्य में अवस्थित है। अगर हम उत्तर प्रदेश की डायरेक्शन देखें तो देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है? मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश। लेकिन ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये मध्य में तो है, लेकिन मध्य से थोड़ा उत्तर की ओर है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको उत्तर मध्य में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर में, इस उत्तर प्रदेश के उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में आपका है नेपाल राष्ट्र। अगर मैं आपको ये डिवाइड करूं इसको चार भागों में, तो ऊपर वाला भाग क्या पड़ेगा? उत्तर के भाग में पड़ेगा आपका नेपाल और उत्तराखंड। देख रहे ना आप, ये एरो में बना रखा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तर में आपका नेपाल भी हो गया और उत्तराखंड भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण कहाँ पे होगा? पूरब यहाँ पर, पश्चिम यहाँ पर, उत्तर यहाँ पे, दक्षिण यहाँ पर, ठीक है? दक्षिण मतलब नीचे का भाग। तो अब दक्षिण में क्या है? मध्य प्रदेश है। दक्षिण में क्या है इसके? मध्य प्रदेश। ये आप देख रहे हैं, इसके साथ इसकी बाउंड्री क्या हो रही है? टच हो रही है। और क्या है? छत्तीसगढ़। ये रहा आपका छत्तीसगढ़, नीचे के भाग, मतलब दक्षिण में क्या है इसका? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब पूर्व में क्या है? पूर्व में है इसका बिहार और झारखंड। पूर्व एरिया क्या है यहाँ पर? पूर्व एरिया आपका ये हो गया, और पूर्व में क्या हो गया? बिहार और झारखंड। पश्चिम की बात करते हैं हम। अब जो पश्चिम है आपका, पश्चिम ये वाला भाग है, और पश्चिम में तीन चीजें हैं। पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। तो ये तीनों टच करते हैं कौन से भाग में? उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में। देखिए, ये स्थिति आपको एक्चुअली क्लियर शायद अभी ऐसे ना हो। अगर ऐसे क्लियर हो रही तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मार्केट से मैप परचेस कर लो, एक एटलस ले आओ। एटलस में आप कभी भी कोई भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ऐसे चाहे इस स्टेट की हो या फिर नॉर्मल कोई बुक पढ़ रहे हैं आप, वहां पे जब भी आपको मौका मिले मैप ओपन करने का, मैप ओपन कर लिया करो। ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, बट आपकी स्टडी काफी स्ट्रांग होगी, ठीक है? मैप के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जहां भी पॉइंट आपको मिल रहा है तुरंत आप देख रहे हैं कि मैप में कहाँ पे रिवर कौन सी है, आपने कहीं देखा काली नदी, काली नदी है कहाँ पर, फटाफट गए एटलस में, आपने ओपन करा रिवर, वर्ल्ड रिवर एंटर करा, उसमें देखा काली नदी ऐसे बह रही है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपकी स्टडी में एक कॉन्फिडेंस अलग से दिखाई देगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई क्या है। पूर्व से पश्चिम तक मतलब इस तरह से इसकी लंबाई क्या है? इस तरह से इसकी लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे, देख रहे हैं ऊपर से नीचे, इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी? वो होगी 240। बस आपको इतना याद रखना है इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। और देखिए, ये जो पॉइंट है, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से क्या है? 5.5 घंटे क्या है? आगे है। कितने घंटे? 5.5 घंटे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, 5.5 घंटे। देखिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा तो है, लेकिन भारत का ये क्या है? चौथा बड़ा राज्य है। इससे पहले क्या है? तीन राज्य और हैं जो बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे पोजिशन में है भारत के सभी स्टेट में से। अगली जो तीन है, तीन में है, सबसे टॉप नंबर पे वो है आपके राजस्थान। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो वो है आपका किसका? राजस्थान का। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ नंबर पे जाके आपका आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? याद रखना, क्या? उत्तर प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको मैप उठाना पड़ेगा, ठीक है? बार बार तो ऐसे हम लोग अप डाउन नहीं कर सकते ना, तो ये तो फिर लग जाएगा ठीक है हम लोग बस काम चला रहे हैं पढ़ने के लिए करके, नहीं, कभी कभी पढ़ाई को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, एटलस कितने का आएगा? 100 रुपये से ऊपर का नहीं आएगा आपका एटलस।
चाहे आप ऑक्सफोर्ड का लो या किसी का भी लो, तो ऑक्सफोर्ड परचेज करो या आप सिंपल एटलस परचेज कर लो तो 100 रुपये से ऊपर का नहीं आएगा। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा था ना मैप में, कौन सा है? छत्तीसगढ़। और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु, मतलब सबसे ज्यादा जो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ टच करता है, उस बिंदु का नाम पूछ रहा है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। और अगर बात करी जाए दक्षिण बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? यह है बिहार। और सबसे पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका हरियाणा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया तथा सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ये पूरा मैप दे रखा है इसमें उत्तर प्रदेश के खास खास जगह कौन कौन सी हैं, राजनीतिक गतिविधियां कहाँ पे ज्यादा होती है, लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो ये आप पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको भी वीडियो को पॉज कर लीजिए, चाहे तो आप देख लीजिएगा। मैं एक बार बढ़ता हूँ आगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तरी जिले की बात कर रहा है तो उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। और बात करी जाए सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, तो दक्षिण जिला है आपका सोनभद्र। तो इसी तरह से आपने को अपनी बुक में हाईलाइट करना है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र कौन सा है, कौन सा देश जो है वो उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो वो करता है आपका नेपाल। चलिए मैप की तरफ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये रहा आपका मैप। इसमें आप देखिए जो उत्तर प्रदेश का ये जो शेड वाला एरिया है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से सभी जो संबंधित हैं वो हमारे भारत के राज्य कहने के हैं। ठीक है, तो ये जो है ये अलग एक राष्ट्र है, अलग एक देश है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेपाल, याद रहेगा आपको। चलिए अब बड़े उसी पेज पर चलते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, जरूरत तो हाईलाइट करने की नहीं, आपने देख लिया होगा। आगे देखिए हम बात करते हैं कि नेपाल राष्ट्र से सटे उत्तर प्रदेश की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। तो कितना परसेंट जो एरिया है, कितना किलोमीटर सीमा रेखा है जो उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ में स्पर्श करती है, तो ये करती है 538 किलोमीटर, 538। ठीक है, याद रखना 538। ये न्यूमेरिक जो था UPSC के एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो वहाँ पे आपको उत्तरी जिला पूछ सकता है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है सोनभद्र वो पूछ सकता है, या उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन सा है, राष्ट्र कौन सा है, तो वो है आपका नेपाल। तो आपको कोई भी चीज़ें जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ वो सभी के सभी पॉइंट एक्चुअली आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप एक बार और वॉच करना और उसके बाद में आप देखना कि आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है इस बुक के क्लियर हो जाएंगे। प्रदेश के सर्वाधिक
उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच में कौन कौन सी निर्धारक नदी है, नाम बताइए। गंडक तथा कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा निर्धारक नदी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, उसका नाम बताइए। गंगा यमुना में ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी थे। अब देखते हैं हमने कितना ध्यान से कोई चीज पढ़ी और किस तरह से हमसे क्वेश्चंस को पूछेगा। देखिए यूपी यूडीए एंड एलडीए 2005 में क्वेश्चंस पूछा गया था 2010 2005, तो हम इन सब का राइट आंसर क्या है वो हम देखेंगे फिलहाल। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ बनता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जनपद, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सहारनपुर। अब देखिए निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम लगाइए। देखिए यूपी पीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही क्रम के लिए आपके पास होना चाहिए मैप, जिससे कि आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है तो उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर कौन कौन से क्रम बढ़ रहे हैं वो हमसे ये क्रम पूछ रहा है जिलों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे पहले सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो इसका जो सही जवाब जो होगा वो होगा बी। अगर आप इसका पहले से ही आंसर निकाल रहे हैं और आपको पता है सब का सब आंसर क्या होगा आपका, अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 4, ठीक है। अगर 4 में से अगर 4 के 4 अगर आपके सही जवाब आते हैं आपके, तो डैम श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। जीएस आपका काफी स्ट्रांग है, उत्तर प्रदेश के जल्द से जल्द आपको वैकेंसी एक पोस्ट अच्छी मिलने वाली है। अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो इस वीडियो को प्लीज एक बार और वॉच करना। अब देखिए निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो एरिया तो हमने पढ़ लिया था पूरे भारत का, लेकिन ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई या लखीमपुर खीरी, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, अभी हमने देखा था ना चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो आपको भी पता होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस वीडियो में ना हमने अब तक क्या क्या कवर करा थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं इसको अगेन लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो अब ये देखना हमने लंबवत उत्तर प्रदेश मध्य पश्चिम पूर्व में क्या क्या पड़ता है वो देखा हमने, लंबाई चौड़ाई में उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है वो देखा हमने, फिर हमने कौन सा स्थान था चौथा स्थान था, तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में आज देखी। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इस तरह के एमसीक्यू फॉर्मेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन सबको देखिए और उन सबको सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये थी उत्तर प्रदेश की लूसेंट सामान्य ज्ञान, और इसके अलावा इस चैनल पर आपको मिलेगा लूसेंट सामान्य ज्ञान, घटना चक्र की बुक, सार संग्रह, इंग्लिश प्लिंथ और वोकैबुलरी विद फन। जी हाँ, एक एक वोकैबुलरी आपको याद कराई जाएगी निमोनिक मेथड के द्वारा। अब निमोनिक मेथड क्या होता है ये शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इसका कोई भी एक वीडियो प्ले कर लीजिए, उसमें आपको निमोनिक मेथड क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। इसी के साथ मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।